Welcome to the class of Indian Contract Act 1872. Let's start today's session with another topic that is related to mistake. Mistake as to the existence of subject matter. What this particular topic tells us, bache, what we are going to understand today is what mistakes are there that are related to subject matter and what will be the effect of that mistake during a contracted during the formation of that an agreement. So let's start this, students. Jo hamari ye mistake hoti hai, that can be of various types. The very first is non-existent subject matter. Means jis subject matter ki baat ho rahi hai, jis subject matter ke based par ek contract ready ho raha hai, in actual wo subject matter hai hi nahi, exist hi nahi karta. So, इसमें क्या बोला गया कि जो सब्जेक्ट मैटर है दैट मे हैव सीज टू एग्जिस्ट, ओके, वो खत्म हो चुका है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हैज मेड, जब कॉन्ट्रैक्ट बना उससे पहले ही वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है एंड देयर इज नथिंग रिगार्डिंग विच कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड. अब देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बनाया जा रहा है वो जब एग्जिस्टेंट में ही नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हुआ. सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनदर रीजन ऑल्सो. क्या रीजन? देखिए, एक तो ये इसीलिए कि एग्जिस्टेंस में ही नहीं है एंड सेकेंड इज दिस दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट इज नाउ इम्पॉसिबल, है ना. अब वो कॉन्ट्रैक्ट आप परफॉर्म भी नहीं कर सकते बिकॉज द पर्टिकुलर थिंग इज नाउ नॉट इन एग्जिस्टेंस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज ए एंड बी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट कि जो ए है वो बी को अपना वाइट हॉर्स सेल करेंगे. बट अभी क्या हुआ है, जो ये वाइट हॉर्स है ये जो डेड हो चुका है, इसको कोई डिजीज थी एंड नाउ ही इज डेड. तो वट इज नाउ द थिंग ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, वट इज नाउ द वैल्यू ऑफ दैट एग्रीमेंट. जिस पर्टिकुलर थिंग के ऊपर, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट बना है, दैट इज वाइट हॉर्स, ही इज नो मोर इन एग्जिस्टेंस. सो जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बनाया है ए और बी ने, वो इन एक्चुअल वॉइड हुआ. ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वॉइड हुआ कि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं, एंड सेकेंड उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकती. ऑल राइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेटेड क्या बोलता है, मिस्टेक एज टू द टाइटल और राइट्स. कि जब दोनों पार्टीज को अपने टाइटल या अपने राइट का ही ना पता हो, उनको यही ना पता लगे कि इन एक्चुअली दिस टाइटल बिलोंग्स टू अस, दैट इज ऑल्सो अ मिस्टेक. लेट्स अंडरस्टैंड इसमें क्या बोला गया है, दैट वेयर अननोन टू द पार्टीज, मीन्स दोनों ही पार्टीज को पता नहीं है. ए और बी अगर किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो ना ए को उसके राइट या टाइटल का पता है, ना बी को उसके राइट या टाइटल का पता है. द बायर इज ऑलरेडी द ओनर ऑफ दैट विच द सेलर परपर्ट्स टू सेल हिम. कि जो ए बी को बेचने वाला है, जिस चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हो रहा है, इन एक्चुअल बी उसका ऑलरेडी बायर है, बी ऑलरेडी उसका ओनर है, सॉरी ऑनर है. द ओनरशिप बिलोंग्स टू द पर्सन हु इज गोइंग टू बाय दैट. अब बी को भी नहीं पता यार मैं जो चीज खरीद रहा हूँ वही उसका ओनर मैं खुद ही हूँ. सो द डैश बींग इम्पॉसिबल. अब जब बी ऑलरेडी उसका ओनर है, ए उसका ओनर नहीं है, तो ए जब आप जिस चीज के ओनर ही नहीं हो, आप उसको बेचोगे कैसे? द ट्रांसफर नाउ बिकम इन इम्पॉसिबल. जो ट्रांसफर है उस वो कोई वैल्यू ही नहीं रखता. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू अ केस. इन कूपर वर्सेस फिब्स, कूपर वर्सेस फिब्स में क्या था, ए एग्रीड टू टेक ऑन लीज ऑफ फिशरी फ्रॉम बी. ए ने एग्री कर लिया कि वो बी से फिशरीज का जो भी लीज है उसको लेगा. एंड दिस इज अननोन टू बोथ द पार्टीज कि ए जो है ऑलरेडी टेनेंट फॉर लाइफ है, वो फिशरीज राइट्स जो है वो ए के पास ऑलरेडी है लाइफ टाइम के लिए. एंड बी हैड नो टाइटल टू द सेम. बी का उससे कोई टाइटल ही नहीं रिलेट करता बिकॉज ए ऑलरेडी गेन टेनेंसी फॉर लाइफ. सो अब बी अगर ए को लीज पर देगा तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई. आप ए को कैसे लीज पर दे सकते हो जब ऑलरेडी ए उसके टेनेंट फॉर लाइफ है. तो एग्रीमेंट जो हुआ था दैट वॉज सेट असाइड. उसको सेट असाइड किया गया किस चीज पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉमन मिस्टेक बिटवीन बोथ द पार्टीज. राइट माई डियर स्टूडेंट्स, देन द थर्ड थिंग इज डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर इन माइंड. देखिए ये भी प्रॉब्लम बहुत होती है दोनों पार्टीज के बीच में, जब ए के माइंड में कुछ और चीज़ है जिसे वो बेचना चाह रहा है और बी के माइंड में कुछ और चीज़ है जिसको वो खरीदना चाह रहा है.
So this is different subject matters in their mind. What it says that where the parties due to reasonable mistake of fact have different subject matters in their mind, उनके mind में different subject matter है, the agreement now it will be void. Void why? For the want of true consent. क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो A ने अपनी consent बेचने की कुछ और सोच कर दी है और B ने उस चीज़ को खरीदने की consent कुछ और चीज़ को सोच कर दी है. जैसे आपको याद हो my dear students that we discussed Ruffles versus Whichell-Hawes case. Students who have joined this session right now, they can go back and watch my previous sessions, जिसमें मैंने Ruffles और Whichell-Hawes के बारे में बहुत अच्छे से discuss किया था. और इसमें क्या था कि ship जो थी वो Ruffles की ship थी और Whichell-Hawes ने उस ship को दूसरी name से लिया था. तो दोनों के माइंड में शिप का नेम दूसरा था. सो दैट्स वाई देर इज अ कॉमन मिस्टेक इन बोथ द माइंड्स. डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है एंड दैट्स वाई दिस एग्रीमेंट इज वॉइड. देन स्टूडेंट्स द लास्ट इज मिस्टेक एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. मिस्टेक एज टू द सब्सटेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. इसमें क्या बोला गया है कि जो पार्टीज हैं दे मे बी मिस्टेकन. किस चीज से मिस्टेक हो सकती है? एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट्स और फैक्ट्स फॉर्मिंग इन डैश फैक्ट्स फॉर्मिंग इन असेंशियल. ओके, जो असेंशियल्स हो एंड इंटेग्रल एलिमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर. जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, पार्टीज उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो असेंशियल फैक्ट्स हैं ये जो फैक्ट्स उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करते हैं उनको लेकर मिस्टेक हो गई है पार्टीज में, ऑल्सो देन जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड हो जाएगा. सो इट सेज इफ द मिस्टेक डज नॉट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल फैक्ट. अगर मटेरियल फैक्ट से एग्जिस्टेंस से नहीं है, मीन्स अगर आपको ऐसी कोई चीज से रिलेटेड मिस्टेक हुई है जो कि मटेरियल फैक्ट नहीं है, मतलब अगर मिस्टेक भी होगी फिर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड. ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वैलिड रहेगा इफ जो आपकी मिस्टेक हुई है दैट डज नॉट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मटेरियल फैक्ट. बट हाँ, अगर पार्टीज की मिस्टेक एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर सम फैक्ट जो कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है, वहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा. राइट स्टूडेंट, सो दिस इज द होल टॉपिक ऑफ मिस्टेक एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर. आई हैव रिटन हियर पार्ट वन बिकॉज the four points we have discussed today. Next point related to the same topic we are going to discuss in next session, starting with the fifth point. So till then, stay tuned, have a nice day. Thank you.